इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि सिनेमा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कुंडली में कैसे योग होने आवश्यक हैं, और उदाहरण के लिए एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक भारतीय सिनेमा के एक महान एक्टर, उनकी कुंडली को देखेंगे और समझेंगे कि जो सूत्र हैं, जो योग हैं, वो उनकी कुंडली में किस प्रकार से लागू हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सिनेमा का फील्ड एक अलग किस्म का फील्ड है। इसमें क्रिएटिविटी, आवाज ये बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। अगर किसी के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, इमोशंस नहीं है, आवाज में दम नहीं है, एक्टिंग की विधा नहीं है उसके अंदर, तो वो कैसे सफल होगा। कुंडली में देखेंगे कि ग्रहों का प्लेसमेंट, भावों की ताकत और किस तरीके से जो समीकरण बनते हैं उनसे एक व्यक्ति सफल एक्टर बन सकता है कि नहीं। तो कुछ नियम है, कुछ सूत्र हैं, उनको बारीकी से समझिए। सबसे पहले तो लग्नेश और लग्न, ये जो घर है ये मजबूत होना चाहिए, इसका लॉर्ड मजबूत होना चाहिए, बलि होना चाहिए, महाबली होना चाहिए। फिर आता है 10th हाउस और 10th लॉर्ड, ये बहुत अच्छे होने चाहिए, बलि होने चाहिए। और 10th लॉर्ड का संबंध वीनस से हो जाए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि अगर 10th लॉर्ड का संबंध वीनस से नहीं हुआ, 10th हाउस या लॉर्ड का संबंध, तो सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर 10th हाउस, 10th लॉर्ड का संबंध वीनस से है तो एक्टिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है बात ये। और D9 देखेंगे, D9 में देखेंगे कि 10th लॉर्ड का नवांशपति, यानी कि D9 में 10th लॉर्ड इस भाव का जो स्वामी हो, वो D9 में कहां पर गया और उसका लॉर्ड कौन है, जिस भाव में गया होगा उसका भावेश। वो यदि शुक्र है तो कंफर्म समझ लीजिए कि फिर व्यक्ति जो है एक्टिंग के फील्ड में जाएगा ही जाएगा। ये महत्वपूर्ण सूत्र है कि 10th लॉर्ड का नवांशपति यदि शुक्र है तो फिर वो व्यक्ति एक्टिंग में जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा सूर्य मंगल मून का संबंध 10th हाउस और 10th लॉर्ड से हो, किसका किसका, मंगल का, मून का और सूर्य का संबंध कहाँ हो, 10th हाउस और लॉर्ड से, ये होना काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कुंडली में देखना है। इसके अलावा मंगल बलि हो, शुभ भावों में हो या दृष्टि दे रहा हो, मंगल जो है बलि हो, शुभ भावों में बैठा हो या शुभ भावों में दृष्टि दे रहा हो। इसके अलावा मरकरी और वीनस बलि हो, शुभ स्थानों पे हो, मरकरी और वीनस, वीनस तो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, और उसी तरीके से मरकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी में अगर दम नहीं है तो क्या एक्टिंग करेगा बेटे, आवाज में अगर दम नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में। लग्न लग्नेश तो इंपॉर्टेंट है ही, 10th हाउस, 11th हाउस, जो कि 10th हाउस करियर के लिए है, 11th हाउस लाभ के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही है दोनों, तो ये बलि होने चाहिए। अब इनमें जो दृष्टियां पड़ रही हो, अच्छी दृष्टियां पड़ रही हो, या प्लैनेट्स जो हों वो अच्छे प्लैनेट्स हैं ज्योतिष के अनुसार, तो ये आपको देखना है। क्या क्या देखना है आपको,
थर्ड हाउस भी देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हाउस भी देखना है आपको, ये हाउस, ये और ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से धन आएगा, यश आएगा, यहां से करियर बनेगा, ये मनोरंजन का घर है, तो यहां से मनोरंजन के लिए इसका होना जरूरी है। यह ये बहुत जरूरी है, इन भावों से संबंध होना। तो क्योंकि बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ये आपको थर्ड भाव, मेहनत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखा गया है कि थर्ड हाउस या थर्ड लॉर्ड या मंगल का संबंध जो है एक्टर्स के कुंडली में पाया ही गया है, एक अहम रोल है इनका। तो ये आपको देखना है, 10th लॉर्ड देखना, 10th हाउस देखना है, वीनस देखना है, वीनस का संबंध होना चाहिए 10th हाउस 10th लॉर्ड से, सूर्य मंगल मून का संबंध होना चाहिए 10th हाउस 10th लॉर्ड से, और फिफ्थ हाउस बलि होना चाहिए। ये जब आप देख लेते हैं तो आपको काफी हद तक पता चल जाता है किसी भी कुंडली में कि व्यक्ति सिनेमा के फील्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा। और कुछ इसके अंदर और अगर माइन्यूटली देखते हैं तो और क्या क्या बारीक अगर एनालिसिस करें तो और क्या दिखना चाहिए, मीन राशि का मंगल हो या धनु राशि का मंगल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जुपिटर की राशियों में, अगर इन राशियों में अगर मंगल हो तो ये क्या करते हैं, ये कलात्मक अभिव्यक्ति देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुलझा हुआ एक्टर होगा वो। तो ये एक आपको बारीक एनालिसिस करना, और इसके अलावा वीनस बहुत पावरफुल है अगर, तो फिर आपके उसमें क्या होगा, एक्टिंग में एक परफेक्शन आ जाएगा। क्योंकि ये जानते हैं आप, वीनस जो है एक्टिंग का, संगीत का, फैशन का ग्रह है, वो इसमें अगर ये अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर परफेक्शन है। फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के साथ मून भी, क्योंकि आप जो काम करेंगे वो अंततः जनता देखेगी, तभी आप बड़े एक्टर बनेंगे, तो इनका रोल शुरू हो जाता है, पब्लिक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। शुक्र के बारे में कहा जाता है कि अगर वो सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि में है तो फिर ये सफलता दिलाता है, एक्टिंग में परफेक्ट बनाता है, तो ये भी आपको बारीक नजर रखनी है। तुला का स्वग्रही, कोई भी ग्रह स्वग्रही होता है तो फिर निश्चित तौर पे अच्छा ही माना जाता है, तो शुक्र अगर स्वग्रही है तो फिर बहुत अच्छी पब्लिक, आपको पब्लिक पसंद करेगी, आपके पास धन आएगा, आप बहुत पॉपुलर होंगे। तो ये सारे सूत्र आपको कुंडली में देखने हैं। अब देख लेते हैं उदाहरण कुंडली को। ये कुंडली महान एक्टर दिलीप कुमार साहब की है। अब आप इनकी कुंडली को देखिए, इनका लग्न देखिए कितना बलि है। कैसे देखिए, इसमें मरकरी दृष्टि डाल रहा है, शुक्र जो कि लग्नेश है देख रहा है, सूर्य देख रहा है, और कौन देख रहा है, मंगल यहां से देख रहा है चौथी दृष्टि से। अब आप सोचिए कि चार चार ग्रह देख रहे हैं, तो बलि गया, महाबली हो गया ये तो लग्न। तो पहली शर्त कि
लग्न लगने बलि होना चाहिए, ये हो गया। दूसरा क्या देखना है आपको, लग्नेश जो है, विनस जो है, ये इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको मंगल कंट्रोल कर रहा है। वीनस जो है, यहां देखिए इसका कंट्रोलिंग इसके पास है। अब मंगल की खासियत देखिए, एक तो ये 10th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस से बैठकर ये क्या कर रहा है? 10th हाउस से बैठकर ये लग्न को देख रहा है, दशमेश शनि को देख रहा है, और आप सोचिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है दशमेश को देखना, तब जब मंगल जो है लग्नेश को भी कंट्रोल कर रहा है और दशमेश को देख रहा है, संबंध बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। शनि चूंकि दशमेश होने के साथ साथ योग कारक भी है, आप देखिए शनि नौमेश और दशमेश है, ये योग कारक है, और योग कारक होकर के उस योग कारक को मंगल जो कि दशम भाव में बैठा हुआ है इसको 8वीं दृष्टि से देख रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मंगल का इंपॉर्टेंस ये है कि मंगल लग्नेश को गवर्न कर रहा है, लग्नेश को कंट्रोल कर रहा है, दशम भाव में बैठा है, दशमेश पर सीधी उसकी दृष्टि है यानी 8वीं दृष्टि है, और दशमेश की दृष्टि तीसरी दृष्टि इन सारे ग्रहों पर है, जिसमें कि लग्नेश शामिल है, जिसमें कि मरकरी शामिल है, जिसमें कि वीनस शामिल है, ये दृष्टि पड़ रही है। आप देखिए कि बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, योग कारक ग्रह की दृष्टि लग्नेश पर है और साथ में लाभ स्थान पर भी है, सीधी दृष्टि यहां लाभ स्थान पर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए सुंदरता, जो लाभेश है जुपिटर, इसकी दृष्टि मंगल पर है, लाभेश मंगल पर दृष्टि डाल रहा है, और लाभ स्थान पर शनि की दृष्टि है। ये इतना सुंदर योग है तो सफलता, अपार सफलता की मिलनी ही थी। आप देखिए किसी की भी कुंडली इस तरीके की हो, निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलेगी, यश धन वैभव सब कुछ मिलेगा, और भी बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ आज प्रोफेशन के बारे में बात करें तो प्रोफेशन के लिहाज से सिर्फ देखिए निश्चित है सफलता। अब आप देखिए मून का संबंध, मून मून का संबंध दशम भाव से, मून का संबंध तीसरे घर से, ठीक, मंगल का संबंध 10th हाउस से, सूर्य का संबंध, ये देखिए सूर्य बैठा हुआ है, इसका संबंध 10th लॉर्ड के साथ, 10th लॉर्ड के साथ 10th लॉर्ड शनि है दृष्टि, वीनस का संबंध 10th लॉर्ड के साथ दृष्टि आ रही वीनस के ऊपर। तो आप देखिए कि ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत ही जबरदस्त है, क्लासिकल है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ज्योतिष है, और ज्योतिष में कैलकुलेशंस हैं, नियम हैं, कायदे हैं, उसके आधार पर कुंडली का विश्लेषण है। आप लोग करिए, देखिए, इन योगों को मिलाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और निश्चित तौर पर आप देख पाएंगे कि कुंडली क्या कहती है। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।